कुरान अजीम वादे तौर पर इफराद से मना करता है, यानी किसी भी हद से ज़्यादा चीज़ को बढ़ा के बयान मत करो, जितना शरीयत ने कहा है उतनी ही बात उसको वही तक रखनी चाहिए। पारा नंबर 6 है, सूरह निसा है, आयत नंबर 171 है। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ला तगलू फी दीनकुम वला तकूलू अलल्लाहि इल्लल हक। अल्लाह फरमाता है कि अपने दीन में ज्यादती ना करो और अल्लाह पर ना कहो मगर सच। दो बातों का हुक्म दिया रब तबारक व तआला ने, फरमाया कि तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम दीन में ज्यादती करो, इजाफा करो। यानी दोनों बातें इसमें, या ये कि जो रस्म दीन की नहीं है वो रस्म ईजाद करके उसको दीन की बताओ, ये भी दीन में ज्यादती है, और ये भी ज्यादती है कि अगर कोई फेल किया जा रहा है और वो शरीयत के दायरे में जायज़ के ज़िम्रे में आता है मगर उसको आप खामोखा जो है जायज़ है या नाजायज़ है, तो जायज़ को आप नाजायज़ कह दे और नाजायज़ को जो है आप हराम, और हराम हो तो हराम को आप शिर्क और कुफ्र बोल दे। तो इस तरह से ये जो बढ़ाकर बात करना, ये भी दीन में ज़्यादती है। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हें हक नहीं दिया गया कि तुम ज़्यादती करो, और ज़्यादती करना गोया कि तुमने अल्लाह पर झूठ बांध दिया, जो हुक्म अल्लाह ने सादिर नहीं किया। तुम कौन होते हुक्म बनाने वाले और सादिर करने वाले, तो मत कहो मगर अल्लाह पर वही बात कि जो सच है, जो अल्लाह ने फरमाया बस उतनी बात बोलो, अपनी तरफ से दीन में ज्यादती मत करो। कब्र पे जो सजदा किया जाता है या औलिया की कब्र पे किया जाता है, तो इसको अगर हमें समझना है कि शरीयत के खाने में इसका क्या हुक्म आता है और ये शरीयत के किस हुक्म के ज़िम्रे में ये शय है कि किसी गैरुल्लाह को सजदा किया जाए, तो इसको समझने के लिए पहले आपको दो चीज़ें समझना पड़ेगा। सबसे पहली ये कि सजदे की दो किस्में होती है। सजदे की कितनी किस्में हैं? दो। जब तक ये दो किस्में लोगों को ना मालूम होंगी और लोग इसको समझेंगे नहीं, तब तक वो नतीजा ये होगा कि वो इफरात और तफरीत का जो है वो शिकार होते रहेंगे, या तो बढ़ा के बात करेंगे या घटा के बात करेंगे। तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि सजदा होता कितने किस्म का है। तो सजदे की दो किस्में होती है। पहली किस्म आती है जिसको कहा जाता है इस्तिलाह शरह में सजदाए ताबुदी। सजदाए ताबुदी यानी सीधे लफ्ज़ों में मैं इसको कहूँ इबादत का सजदा, और ये सजदा सिर्फ अल्लाह ताला के लिए हलाल है, अल्लाह के अलावा इस किस्म का सजदा किसी के लिए जायज़ नहीं। इबादत का सजदा, बंदा अपने आप को बंदा समझ के अपने माबूद हकीकी को सजदा करना, और हमारा माबूद हकीकी कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। अल्लाह के अलावा फिर ये सजदा किसी के लिए जायज़ नहीं। और एक दूसरा सजदा आता है, दूसरी सजदे की किस्म है, उसको कहा जाता है इस्तिलाह शरह में सजदा तहियत। सजदा तहियत, सजदा तहियत जिसको आम लफ्ज़ों में कहते हैं सजदा ताज़ीमी, ताज़ीम का सजदा। तो अब जहाँ तक ताज़ीम का सजदा है, इसके बारे में शरीयत इस्लामिया में क्या है और सजदे ताबुदी के बारे में क्या है, तो ताबुदी यानी सजदाए इबादत के बारे में तो मैंने वाज़े तौर पर कह दिया कि ये सजदा गैरुल्लाह के लिए हराम नहीं बल्कि शिर्क है। खुदा समझ के करेगा तो सीधा इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाएगा, वहाँ कोई गुंजाइश नहीं, किसी का इख्तलाफ नहीं। अलबत्ता जहाँ तक सजदाए तहियत का सवाल है, तो इसके बारे में दो बातें हैं। पहली ये कि पिछली शरीयतों में यह सजदा जायज़ था और हमारी शरीयत में ये हराम है, ये शिर्क नहीं। अगर ये शिर्क होता तो पिछली शरीयत में भी शिर्क होता, इसलिए कि शिर्क एक ऐसी शय है कि जो हर नबी के ज़माने में शिर्क शिर्क ही रहा। एक उसूल याद रख लीजिए, ये हो ही नहीं सकता अगर कोई इस तरह की बात करता है उससे बड़ा जाहिल नहीं, कि एक काम मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में जायज़ हो और नबी की शरीयत में वो शिर्क हो जाए, ये कभी हो नहीं सकता। कानून शिर्क का एक ऐसा कानून रहा, शिर्क और कुफ्र ये दो ऐसे है कि चीज़ें हराम और हलाल मुख्तलिफ शरीयतों में अलग अलग हो सकती है। मिसाल के तौर पे हज़रत आदम की शरीयत में बहन और भाई का निकाह हलाल था, रसूलुल्लाह की शरीयत में हराम है। ये अहकाम जो है दूसरे, इसमें हराम और हलाल में इख्तलाफ हो सकता है, वो हराम था वहाँ जायज़ था, यहाँ हराम है। लेकिन हज़रत आदम की शरीयत में जो चीज़ शिर्क थी वो रसूलुल्लाह की शरीयत में भी शिर्क ही है, मूसा की भी शरीयत में शिर्क रही, ईसा अलैहिस्सलाम की भी, हर नबी की शरीयत में शिर्क रही। तो शिर्क का उसूल एक ही रहा। अब अगर सजदे ताज़ीमी को शिर्क समझ लिया जाए, अगर सजदे ताज़ीमी को शिर्क समझ लिया जाए बजाय इसके कि वो हराम है, इस शरीयत में हराम है और पिछली शरीयत में वो हालांकि हराम भी नहीं था, जायज़ था, तो फिर अल्लाह पे तोहमत नहीं है कि माज़ अल्लाह पिछली शरीयत में शिर्क की इजाज़त दे दी और शरीयत में शिर्क बोल के इस्लाम से खारिज बताया जा रहा है, ये तो अल्लाह पे तोहमत बांधना हो गया। तो आइए कुरान अजीम से दलील लीजिए, पारा नंबर 1 है और सूरह बकरा आयत 34। रब फरमाता है वइस्कुल लिल मलाइकति इस्जुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन।
अल्लाह फरमाते हैं, और हबीब याद कीजिए जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा कि तुम सब आदम को सजदा करो, तो सबके सब सजदे में गए। कौन नहीं गया? सिर्फ एक था, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के, वही था जिसने सजदा नहीं किया। और जब सजदा नहीं किया तो वो तो शिर्क से बचा ना। सजदाए गैरुल्लाह अगर शिर्क है तो शिर्क से बचा ना। मगर कुरान क्या कह रहा है? अबा वस्त तक बड़ा घमंड किया, वकारा मिनल काफरीन, और हो गया काफिरों में से। तो ये कौन सी बात हुई भाई कि वो शिर्क से बच रहा और कुरान कह रहा काफिर हो गया? तो वो शिर्क ही नहीं था, वो ताजीम थी, और उसने ताजीम का इनकार किया। तो अब यहां तो कुरान से वाज़ेह है कि पिछली शरीयत में जायज था, और जायज कितना था कि ऐसा कोई फरिश्ता नहीं था जिनकी तादाद भी हम नहीं जानते। ला तादाद फरिश्तों ने आदम को सजदा किया। तो अब सवाल ये पैदा होता है, अब यहां खुल छह पॉइंट मैं नकल कर रहा हूं, छह नुकात बयान कर रहा हूं। पहला कि अल्लाह ने जो सजदे का हुक्म दिया था फरिश्तों को, वो ताजीम का था कि इबादत का था? वहाबियों से पहला सवाल है मेरा कि जरा हिम्मत करके कोई इनका माइकल अल मौलवी आके बताएं कि हर सजदे को जो शेरक शेरक बोल रहे, कबर पुजवा, कबर को सजदा किया, कबर पुजवा मुशरिक, कबर पुजवा मुशरिक, तो ये सारे फरिश्ते आदम पुजवा थे? क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा। तो आदम पुजवा बोलो फिर फरिश्तों को, और जिब्रील भी नहीं बचा फिर उसमें, मिकाइल कोई फरिश्ता नहीं बचा जी, सब आदम पुजवा हो गए। फिर ताजीम का था, इबादत का सजदा नहीं था, वरना अल्लाह पर फिर शिर्क करवाने का इल्जाम आ जाएगा। दूसरा, इबलीस इबादत का मुनकिर था कि ताजीम का मुनकिर था? अरे वो इबादत का तो इतना पक्का था, इतना पक्का था, 90 करोड़ साल इबादत किया उसने, और जब जब अल्लाह ने कहा वो इबादत करता रहा, जब जब उसको हुक्म दिया गया इबादत करता रहा, लेकिन जैसी बात ताजीम किया इनकार कर दिया। तो बिल्कुल हूबहू उसके नक्शे कदम पर ये भी है, ये भी इबादत के लिए तैयार है, ताजीम के लिए तैयार नहीं है। वो आदम की ताजीम के लिए झुकने के लिए तैयार नहीं, और ये मुस्तफा की ताजीम के लिए उठने के लिए तैयार नहीं। अंदाज वही है दोनों का, एक झुकने के लिए तैयार नहीं था, एक उठने के लिए तैयार नहीं है। और यहां एक और नुक्ता देखिए, वाइस्कुल्ला लिल मलाइकति जुदुआद, ऐ मेरे हबीब याद की जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, इबलीस से गलती क्या आई? वो सजदे ताजीमी और सजदे इबादत के फर्क को समझ ही नहीं सकता। क्या बात, ये नहीं समझ रहे। हाँ, वो ठोकर खा गया, वो समझ रहा था कि भाई मैं आदम को सजदा क्यों करूं, गैरुल्लाह के सामने क्यों झुकूं, मैं तो आग से पैदा किया गया हूं, ये मिट्टी से मैं अफजल हूं, आला हूं, आला होके अदना के सामने क्यों झुकी, मटेरियलों के तकाबुल के चक्कर में पड़ गया, हुक्म खुदाबंदी को नहीं देखा। तो वो अगर ये समझ लेता, फरिश्ते मासूम थे, तो वो समझ गए कि यहां सजदा इबादत का हुक्म नहीं है, क्योंकि खुदा से बाहर है कि खुदा परवरदिगार आलम जो है वो इबादत के सजदे का हुक्म दे कि शिर्क की तालीम दे, खुदा से बाहर है, क्योंकि अल्लाह के नजदीक शिर्क से ज्यादा कोई नापसंदीदा चीज है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला जो है शिर्क का हुक्म दे। तो शिर्क का हुक्म तो दिया नहीं गया था, वो फरिश्ते समझ गए कि ये जो आदम को झुकवाने झुकने के लिए कहा जा रहा है आदम के सामने, ये ताजीमन झुकने के लिए कहा जा रहा है, ये ताजीम का सजदा करवाया जा रहा है, इबादत का सजदा नहीं। लेकिन इबलीस इस फर्क को नहीं समझ सका। और एक चीज और कि ताजीम के झुकने के लिए उसने इनकार किया था, इबादत में झुकने के लिए इनकार नहीं किया था। तो किस चीज ने उसको अकड़ाया? कहा कि मैं मौलिमुल मलाइका हूं, इनका उस्ताद हूं, ये तो सब मेरे शागिर्द है, ये झुकते झुक जाए मैं नहीं झुकूंगा, मैं मौलिमुल मलाइका हूं। तो पता चला कि कुफ्र कब आता है? जब घमंड आ जाता है, जब इल्म में। तो वहां भी समझ इसलिए नहीं पा रहा है कि वहां भी इल्म का घमंड आ गया, मैं तो अहले हदीस हूं, मैं बरेली की मानू क्यों, सुनू क्यों। जिस दिन इसके दिमाग में ये आ जाएगा कि भाई बरेलवी आशिक मुस्तफा पहले सुनू तो बोल क्या रहा है, जिस दिन सुनने लगेगा खुदा की कसम हिदायत पाले, इसके इल्म का घमंड ही सुनने नहीं दे रहा है ये बरेलियों को। कहता क्या सुनना बरेलियों को यार, ये तो बस नबी नबी की बात करते। हमने कहा कभी सुन तो बैठ के, पूरा सुनते नहीं है। तो उसको किसने जो है मतलब गुमराह किया और काफिर किया? उसके इल्म के घमंड ने। मैं मौलिम हूं भाई, मैं पढ़ाने वाला हूं, आज इनमें भी हम अहले हदीस है भाई, हदीस के जानकार हम ही लोग, जबकि हदीस की हा भी नहीं समझते बेचारे। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला का इंसाफ देखिए आप, परवरदिगार आलम गुंजाइश नहीं छोड़ी, ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह तो हर चीज जानता है ना, नियतों से बाखबर है ना, इब्लिस क्यों नहीं झुका सब कुछ जानता है, और क्या जानता है, खुद वाजे भी कर दिया, अबा वस्तकबरा घमंड किया इसने, घमंड की वजह से नहीं झुका, देख तो रहा है ना, फिर भी कहा मैं परवरदिगार आलम, इंसाफ में कभी ना रह जाए, कल कोई ऐसे जाहिल ना आ जाए जो इब्लिस के पैरोकार हो जाए और कहे कि अल्लाह ने सफाई का मौका नहीं दिया इब्लिस को,
उससे भी तो पूछ लेता पहले अल्लाह ताला के, तू झुका क्यों नहीं, हो सकता हो ऐसी दलील देता कि अल्लाह को भी कायल होना पड़ता माज़ल्लाह, ये एतराज ना आ जाए। तो अल्लाह ने कहा अच्छा चल तुझे इस बात का भी मौका देता हूँ, हालांकि मैं जानता हूँ तू झुका क्यों नहीं, आड़ा क्यों है ये भी मैं जानता हूँ, किस तकबुर ने तुझे झुकने से रोका ये भी मैं जानता हूँ। फिर भी पारा नंबर 8 सूरह आराफ आयत नंबर 12 में फरमाता है काला मा मनाका इला तस्जुदा इज अमरतुका, अल्लाह ने फिर उसको कहा कि अच्छा चल बता किस चीज ने तुझे सज्दे से रोका, चल अब तू अपनी जबान से बोल क्यों नहीं सज्दा किया तूने, बता आखिर सज्दा ना करने की वजह क्या है, हालांकि मैंने तुझे हुक्म दिया है इस अमर तू का, मैंने तुझे हुक्म दिया मेरा हुक्म क्यों नहीं माना तूने। अब उसने जवाब दिया, दलील दे रहा है वो, देखिए दलील क्या है उसकी, कहता है काला ना खैर मिन, मैं इसलिए नहीं झुका कि मैं आदम से बेहतर हूं, इससे ज्यादा अच्छा हूं, खलकतनी मिन नारी व खलकतहू मिन तीन, और बेहतर मैं इसलिए हूं कि मैं आग से पैदा किया गया हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसको खाक से और मिट्टी से बनाया, आग की फितरत बुलंदी है, मिट्टी की फितरत पस्ती की तरफ आना है, तो मैं पस्त चीज को कैसे, पस्त शय को मैं कैसे सजदा करता हूं। अल्लाह ताला ने दलील को कबूल नहीं किया, हालांकि दलील सही है कि गलत है, ज़ाहिरन तो सही है, झूठ तो उसने एक लफ्ज भी नहीं बोला, उसने क्या कहा मैं आग से पैदा होता, झूठ है क्या, आग से तो पैदा हुआ था, आदम मिट्टी से बने ये भी सच था, लेकिन एक बात उसमें नापसंद थी अल्लाह को, ये तो तूने सच कहा कि तू आग से पैदा हुआ, ये भी सही है कि आदम मिट्टी से पैदा हुए, ये बात तेरी पसंद नहीं आना खैरुन मिन, मैं इससे बेहतर हूं, तू कौन होता है अपने आप को बेहतर समझने वाला, मैं जिसको बेहतर बना दू वो बेहतर है, तो ये तेरी बात मैं मान लेता छोड़ देता तुझे कि तू कहता मैं आग से पैदा हुआ इसलिए तकब्बुर आ गया, अल्लाह चल जाने दे माफ कर दे छोड़ दे, मगर आदम से अपने आप को बेहतर समझा, नबी से कंपेयर, नबी से कंपेयर अल्लाह को पसंद, नबी से कंपेयर मेरे महबूब से कंपेयर, फरिश्तों से कंपेयर करता तू कहता फरिश्ते नूरी है मैं आग हूं और नूरी थे झुक गए, मैं नहीं झुका मुझ में बोला शोलेबाजी है तपिश है गर्मी है, आग में गर्मी भी होती है ना नूर में ठंडक होती है, वो ठंडे हैं इसलिए झुक गए मैं थोड़ा गर्म हूं, शायद वो दलील मान ली जाती, नहीं बात तो यहां मसला ये नहीं था कि आग और मिट्टी का मसला नहीं था, नबी से अपने आप को बेहतर समझना सबसे बड़ा मसला था, नबी से तकाबुल करना था, अल्लाह ने फरमाया अच्छा हमारे नबी से ज्यादा अपने आप को अफजल समझता है। पारा नंबर 14 सूरह हिज्र आयत 34 और 35 फिर रब इरशाद फरमाता है काला फखरुज मिन्हा फाइन्नका रजीम, चल बाहर निकाल निकाल जन्नत से, मेरे नबी से अपने आप को बेहतर समझ रहा है, काला फखरुज चल निकल मिन्हा फाइन्नका रजीम, चल निकल बाहर इसलिए कि तू धुतकारा हुआ है मर्दूद है, अब मर्दूद भी कैसा, वइन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन, और बेशक कयामत तक तुझ पर लानत है। तो पता चला कि जो नबी का गुस्ताख होता है वो मर्दूद होता है, अब मर्दूद भी ऐसा होता है कि कयामत तक उस पर लानतें पड़ती है, तो लानत गुस्ताखे नबी पे लानत भेजना ये तो अल्लाह की सुन्नत है, गुस्ताखे नबी को मर्दूद कहना ये अल्लाह की सुन्नत है, हम नहीं कह रहे, अल्लाह ने कहा ना, क्या कहा, फाइन्नक रजीम, बेशक तू कौन है, रजीम है मर्दूद है धुतकारा हुआ है, तो सुन्नत इलाहिया है कि जो नबी का गुस्ताख है। अच्छा अब एक चीज, जब तक नबी की गुस्ताखी नहीं किया तो कहां था वो, और जैसे ही आदम की गुस्ताखी किया तो कहां गया, चल बाहर निकल, तो जब आदम का गुस्ताख जन्नत में नहीं रह सकता तो आदम के आका मुस्तफा का गुस्ताख जन्नत में कैसे जा सकता है, आदम का गुस्ताख जन्नत में नहीं रह सकता, तो पता चला कि जन्नत उसकी है ही नहीं जो गुस्ताखे नबी हो, तो अब आला हजरत जो शिद्दत में जुमले कह रहे हैं ये गाली नहीं कह रहे हैं, आयत की तर्जुमानी कर रहे हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह, जन्नत तो उनकी है जो नबी के हो जाए, है कि नहीं, लेकिन अल्लाह का फिर एक और इंसाफ देखिए, कितना मुंसिफ है परवरदिगार, मर्दूद करके निकाल भी दिया, भगा भी दिया, चल बाहर निकल दफा हो जा, मगर ऐसा ना हो कि बाद में फिर तू शिकायत करे, लोग कहने वाले तेरे मानने वाले कहे तेरे चाहने वाले कहे 90 करोड़ साल इबादत की थी एक सज्दा नहीं किया वही पकड़ लिया, यहाँ ये भी जवाब है ना, भाभी कहते यार तुम इतनी अच्छाई नहीं देखती, एक ही बात पकड़ लेते, यार मौलाना अशरफ अली थानवी ने इतनी सारी किताबें लिखी कुछ नहीं देखा, हिफ्ज़ुल ईमान ही पकड़ लिया,
हमारे फला मौलाना इतने परहेजगार, एक बार जबान फिसल गई उसी को पकड़ लिया। हमने कहा ये पकड़ना भी तो सुन्नत इलाहिया है। क्या बात है, बहुत अच्छा। 90 करोड़ साल की इबादत नहीं देखी गई, एक सजदा ना करना देखा गया। करोड़ों साल के सजदे नहीं देखे गए, एक ना करना देखा गया। मगर अल्लाह ताला गफूर रहीम है, मौका देता है। इबलीस को भी मौके दिए, ऐसा नहीं है कि क्यों, ऐसा ना हो कि शिकायत करे अल्लाह 90 करोड़ साल तेरी इबादत की, कुछ तो मौका देता मुझे तौबा का, कुछ तो मोहलत देता, बस धुतकार के भगा दिया। अल्लाह ने कहा नहीं, मैं गफूर भी हूँ रहीम भी हूँ, चल मौका देता हूँ। और आज इनको भी मौके दिए जा रहे हैं, आज इनको भी मौके दिए जा रहे हैं। और आला दत्त कह रहे हैं आज ले उनकी ही पना, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। इनको भी मौका दिया जा रहा है, मगर लगता ना उसके नसीब में तौबा है ना इनके नसीब में तौबा है, मोहर लग गई, मान नहीं रहे अब तो। लेकिन हुआ क्या, इतने मौके दिए गए उसके बावजूद भी उसका हाल क्या था। रब फरमाता है 12:15 सूरह बनी इसराइल आयत 27, वकान शैतान ली रब्बी ही कफूरा। अल्लाह फरमाता है और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुकरा है, मौके दिए लेकिन नाशुकरा है। अब कैसे नाशुकरा है, पहला मौका ये इमाम जलालुद्दीन सियूती की किताब से मैं पेश करता हूँ। यह दुर्र मंसूर चिल नंबर इसकी 1 है, सफा नंबर 274, सूरह बकरा आयत नंबर 34, वही आयत जो हमने पढ़ी, वइस्काल रब्बुका लिल मलाइकति जुदु ले आदम फसजदु इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। उसी आयत की तफसीर में इमाम जलालुद्दीन सियूती और हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह मुकाशिफतुल कुलूब ने, उनके मुकाशिफतुल कुलूब भी मौजूद है, मुकव्वे देखिए सफा नंबर इसका 123। ये दोनों की किताबों के हवाले से मैं ये बात पेश कर रहा हूँ। फरमाते हैं हज़रत अनस इब्न मालिक से रिवायत करते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब तूफ़ान आया तो जनाब नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से सबको कश्ती में ले आया, जितने अहले ईमान थे, जानवर भी ले लिया एक एक जोड़े, नबातात के एक एक जो है जींस ले लिया, सबके मतलब जितने जोड़े थे दुनिया में सबके एक एक जोड़ा ले लिया, और वो सारे इंसान कश्ती में आ गए। बाद रिवायतों में 63, बाद में 87 जो अहले ईमान थे, इसके अलावा दुनिया में कोई ईमान वाला नहीं। तूफान आया, कश्ती चल पड़ी, देखा एक कोने में दुबुक के एक शख्स बैठा हुआ है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम करीब पहुंचे, जब गौर से घूर के देखा तो पहचान लिया ये इबलीस था। कहा क्या कर रहा है तू, कैसे आ गया यहाँ। कहा हुज़ूर हर तरफ पानी ही पानी है, जमीन से भी पानी, आसमान से भी पानी, कोई जाए पना नहीं इस वक्त, बस आपकी एक कश्ती है जिसका सहारा है, खुदा के वास्ते मुझे कश्ती से मत निकालिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, यहाँ होना नहीं, तू तो जन्नत से निकाला गया, कश्ती में कैसे रह सकता है तू, चल निकल उठ। कहा देखिए मैं बहुत पछता रहा हूँ, बहुत अफसोस है मुझे कि वाकई मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है और अल्लाह की बात मैंने ठुकरा दी, लेकिन देखिए आप अल्लाह के नबी है, आप अल्लाह से मेरी सिफारिश कर दे, दुआ कर दे, शायद अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा भाई तौबा की बात कर रहा है तो बहुत गड़गड़ाने लगा हो, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, परवरदिगार इबलीस तौबा करना चाहता है, माफ़ी मांगता है। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इमाम जलालुद्दीन सियूती के अल्फाज पढ़ रहा हूँ, फअहवल्लाहु इलैहि अन तौबता अन यातिया कब्र आदमा वयसजुदा लहू। तो अल्लाह ने वही ये वही भेजी हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर, कहा कि नूह मैं ये तेरी तरफ वही कर रहा हूँ कि उससे कहो, उस इबलीस से कहो तौबा करना चाहता है, आदम की कब्र पर जाकर सजदा कर। कहा सजदा कर, अरे यार ये रुक जाइए, क्या हो रहा है, ये कब्र पुजवा बना रहा है कि अल्लाह ताला इबलीस को कब्र को सजदा कर, तौबा कबूल करूंगा। और वहां भी बोल रहा है कब्र पे जो सजदा कर रहा है वो तो इस्लाम से खारिज, हम कह रहे भाई हराम है शरीयत में, हम जायज के कायल नहीं, फिर नहीं, मैं कह दूं जायज के कायल नहीं, नहीं, लेकिन भाई इस्लाम से तो ना खारिज करो, इतना जुल्म तो मत करो कि इस्लाम से खारिज करके हिंदुओं की सप में ला दिए। वो तौसीफुर रहमान जैसा, जिसकी औकात नहीं सामने बैठ के बात करे, वो जर्जित जैसा बलात्कारी आदमी, ये जरूरत है इनकी के बोले तुम कब्र को सजदा करते हो, वो मूर्ति को सजदा करता है, मूर्ति से मिला दो तुम हमारी कब्रों को और हमारे सजदों को। अरे हराम बोलो, हम भी तुम्हारे साथ है इस मामले में, तुम अगर कहो कि हराम है शरीयत में मना है तो हम भी कहेंगे सही कह रहे हैं मौलाना साहब आप भी, लेकिन तुम यार हराम को शिर्क बोल के कि नहीं शरीयत गढ़ डालो, तो हद से बढ़ रहे हो तुम, तो फिर तो हमारी जिम्मेदारी है ना कि हम तुम्हारे पैर और टांग पकड़ के खींचे और बोले हद से बढ़ने तुम्हें देंगे नहीं, तुम्हारी औकात से तुमको हम बाहर ज्यादा जाने नहीं देंगे। तो जरा बताएंगे मौलवी हजरात कि अल्लाह ताला कब्र का पुजवारी बनाना चाह रहा था इबलीस को, कब्र पुजवा बना रहा था, जा कब्र की पूजा कर, आदम को सजदा कर, कब्र को, आदम को सजदा कर नहीं बोला है,
आदम की कब्र को, कब्र आदमा फायस जुदा लहू, कब्र की आदम की कब्र को जाके सजदा कर, उसको बोलो अगर तूने आदम की कब्र को सजदा कर लिया मैं तेरी तौबा कबूल कर लूंगा। मगर वो भी बड़ा अकड़ू था, तो उसने कहा कि मुन्नू जब आदम हयात थे तब नहीं किया, अब मरने के बाद कब्र पुजवा बन जाऊं, अगर मैं कब्र को सजदा कर लूंगा तो मेरी आने वाली औलादों का क्या होगा, उनकी तो रोजी रोटी इस पर चलने वाली है। बहुत अच्छा क्या बात कि वो कब्र कब्र को चूमने वालों को, सजदे करने वालों को मुशरिक बोल बोल के रोजी रोटी कमाएंगे, वो शरीयत के उस हुक्म तक नहीं ठहरेंगे, ठहरेंगे कि नबी ने हराम का, वो शिर्क बोल बोल के बढ़ चढ़ के बातें करेंगे, उसी पर रोजी रोटी चलेंगी उनकी, तो मैं अपने औलादों की रोजी रोटी भी ना देखूं कयामत तक, मेरी औलादों का क्या होगा बेचारों का, भूखे मर जाएंगे ऐसे से। तो वो तो उसने क्या कहा, नहीं जब आदम जिंदा थे तब ना किया, अब क्या करूँ। नूह अलैहि सलाम ने कहा मर्दूद निकल, तू वाकई खबीस है, तू कभी सुधरने वाला नहीं, फाखरो चल निकल, निकल। बहुत धुतकार आ गया, और आज इसकी इसकी औलादें भी इस मस्जिद से धुतकारते धुतकारे जाते हैं, कभी उस मस्जिद से, वही चला आ रहा है मामला, क्योंकि बाप धुतकार आ गया तो औलादे भी धुतकारी जा रही है, एक एक मस्जिद से धुतकारे जाते हैं, और मक्कारियां करके फिर मस्जिदों पर कब्जा करने के जुगाड़ सब बनाते हैं ये लोग। ये पहला मौका था जब इबलीस को तौबा का मौका मिला, मगर रब ने क्या फरमाया, वकान शैतान लिरब्बिह कफूरा, शैतान तो अपने रब का बड़ा नाशुकरा है। अब दूसरा मौका क्या था, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर जा रहे, कितना उन्होंने लिखा, किताबें सारे दिखा दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह एक एक बात बोलता हूं तो दलील से बोलता हूं। इमाम इब्ने अबी दुनिया ने किताब अपनी किताब मकायद शैतान सफ़ा नंबर 65, और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह की बड़ी मशहूर किताब है ये हयाउल उलूम, अरबी जबान में है, बैरूत का छपा हुआ दार इब्ने हजम का ये नुस्खा है हयाउल उलूम इमाम गज़ाली की, जिल्द नंबर इसकी 3 सफ़ा नंबर 31। फिर यही रिवायत को इमाम अब्दुलरहमान इबन जौसी उनकी किताब है तलबीस इबलीस सफ़ा नंबर 38। फिर इसी रिवायत को इमाम जलालुद्दीन सियूती, ये इमाम जलालुद्दीन सियूती की किताब है, इसका नाम है लखतुल मरजान फी अहकामिल जान, ये भी अरबी में हदीस नंबर इसका सफ़ा नंबर 330 इमाम जलालुद्दीन सियूती इसको नकल करते हैं। दुर्र मंसूर में भी ये लाया है, दुर्र मंसूर तो आप देख चुके हैं, इसकी जिल नंबर 1 सफ़ा नंबर 273 सूरह बकरा आयत नंबर 34 उसी आयत के तहत ये रिवायत बयान करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर जा रहे हैं, रास्ते में इबलीस मिल जाता है, कहा मूसा अलैहिस्सलाम के करीब आया, कहा सलाम वालेकुम, सलाम बहुत करते हैं ये लोग, तो मूसा ने कहा मर्दूद खबीस चल, तुझे मुझसे क्या काम और मुझे तुझसे क्या काम, चल हट दूर हट यहाँ से, कहा है मूसा धुतकारिए मत भगाइए मत, मैं खैर के इरादे से आया हूँ, कहा तू और खैर, अबे जहाँ तेरी औलाद हो वहाँ खैर, खैर हो तो गाय चली जाए, जहाँ तू हो वहाँ खैर हो तो चली जाए, तू और खैर, कहा नहीं नहीं आप बुरा ना माने, एतमाद करे भरोसा करे, मैं खैर के इरादे से आया हूँ, कोई बदी का इरादा नहीं, क्या इरादा है जल्दी वो आपको ही टूर पर जा रहे हैं, अल्लाह से कलाम करेंगे, अल्लाह से हम कलामी का शर्फ आपको भी हासिल होगा, मैं आप ही के इंतजार में था, और मसला ये है कि मैं बहुत पछता रहा हूँ, तौबा करना चाहता हूँ, मैं तौबा करना चाहता हूँ। तो कहा तौबा का रास्ता खुला है, दरवाजे खुले, जा तौबा कर ले, तो भी अपने वक्त का आबिद जाहिर है, तौबा का तरीका भी जानता है, तौबा भी समझता है कैसे की जाती है, जा अल्लाह के इसमें आजम से अल्लाह को याद कर तौबा कर ले। उसने कहा नहीं आदम, अब जुमले सुने, ये रिवायत के जुमले है, बड़े खास जुमले, खाए आदम मैं इतना बड़ा मरदूद हो गया हूँ, ए मूसा मैं इतना मरदूद हो गया हूँ, इतनी लानतों के तौक मुझ पर पड़ चुके हैं कि अब अगर मैं तौबा करूँगा तो अल्लाह मेरी तौबा कबूल नहीं करेगा, मैं आपका इंतज़ार इसलिए कर रहा था कि आप अल्लाह की बारगाह में जाएं या मेरा वसीला बन जाए, मेरी सिफारिश कर दे, अल्लाह आपकी बात को नहीं ठुकराएगा। तो इबलीस भी जानता था कि बगैर वसीले के काम चलने वाला वहां भी नहीं समझ पा रहा इस बात को, डायरेक्ट जाऊंगा बोलता, उसने भी हिम्मत नहीं की, वो 90 करोड़ साल का आबिद हिम्मत नहीं कर पा रहा है, 90 करोड़ साल की इबादत करने वाला आबिद डायरेक्ट अल्लाह से हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि मर्दूद धुतकार दिया जाऊंगा, ये 40 दिन का चिल्ला करने वाला बोलता डायरेक्ट मांगूंगा मैं, डायरेक्ट अंदाजा लगाइए, ऐ मूसा आप सिफारिशी बन जाए, अब यहां रुके, अगर वसीला हराम और शिर्क होता जैसे कि वो बोलता है, क्या नाम है उसका आपका, जाकिर नाइक, वसीला हराम है वसीला शिर्क, अगर वसीला हराम और शिर्क होता तो नबी इसकी इल्तिजा पर उस पर लानत भेजते, जूते मारते, कहते मर्दूद मेरा वसीला बना था, वसीला बनाना मालूम नहीं शिर्क है, डायरेक्ट मांग अल्लाह से,
डायरेक्ट क्यों नहीं मांगता? मूसा ने ये नहीं कहा, मूसा अलैहि सलाम खुश हो गए, अगर कहा तेरा वाकई इरादा अच्छा तो जरूर मैं तेरी सिफारिश करूंगा, गोया तेरा वसीला मैं जरूर बनूंगा। तो हजरत मूसा अलैहि सलाम को तूर पर गए, सजदा किया, परवरदिगार तू जानता है इबलीस से बहस हुई मेरी क्या बात हुई, इबलीस से सारी गुफ्तगू से तू वाकिफ है, मौला मैं सिफारिश करता हूँ, इल्तजा करता हूँ कि उसको माफ कर दे, बख्श दे। अल्लाह ने वही भेजी मूसा की तरफ, कद अमीर तो अंत जुदा ले कब्रे आदम, फिर वही बात आई, अल्लाह फरमाता है कद अमीर तो अंत जुदा ले कब्रे आदम वायुताबा अलैका, ऐ मूसा उससे कहो कि जा आदम की कब्र पर सजदा कर, आदम की कब्र पर सजदा कर लेगा वायुताबा अलैका तो मैं तेरी तौबा कबूल कर लूंगा, आदम की कब्र पर सजदा कर तब मैं तौबा कबूल करूंगा। देखिए यहां भी वही बात आ रही, फिर वही सवाल मैं दोहरा दूं, क्या कब्र पुजवा बना रहा है अल्लाह ताला, क्या इबलीस को मुशरिक बना रहा है? बताइए मुशरिक की तौबा कबूल होती है कि गुनाह और बढ़ता है? अगर कब्र का सजदा शिर्क मान लिया जाए तो ये तो शिर्क हो रहा है ना, फिर तो इस पे तो गुनाह और बढ़ेगा कि कम होगा, और अल्लाह ने ला रहा था, लेकिन खुदा ही कह रहा है कि जाओ उसको कहो सजदा करे आदम की कब्र को और तब मैं तेरी तौबा कबूल कर लूंगा। हजरत मूसा खुशी खुशी आए, सोचे छोटी सी बात है मान जाएगा, खुशी खुशी हजरत मूसा आए और कहा इबलीस तेरी तौबा कबूल करने के लिए अल्लाह तैयार है, और फरमाता है कि आदम की कब्र को सजदा कर, झुंझला गया, कहा मूसा मैं तो ये समझ रहा था डायरेक्ट माफी का परवाना लाएंगे आप, ये लेकर आए आप कि अब आदम की कब्र को सजदा करूं, अरे जब आदम जन्नत में तनहा थे तब ना किया तो अब क्या करूं कब्र पे जाकर, मैं नहीं करूंगा आदम की कब्र। मूसा ने कहा मरदूद वाकई तो मरदूद है, अपने रब का बड़ा नाशुक्र है, ये कौन कितना मौका था, तीसरा मौका क्या है, यहिया अलैहिस्सलाम के पास आया, तीसरा मौका अब आ रहा है, यहिया अलैहिस्सलाम के पास आता है, कहा अस्सलाम वालेकुम, सलाम बार बार करता है, आदत कम से मजबूर है वो, कहा कौन मरदूद तू कैसे आया, चल मुझे अपने रब के मामलात में मशगूल रहने दे, तू क्यों आया मेरे अपने रब के मामलात में मशगूलियत में दखल अंदाजी करने, यहिया धुतकारी है, आप अल्लाह के नबी एक छोटा सा सवाल लेकर आया हूँ। कहा अच्छा क्या सवाल है पूछ, कहा आप तो नबी है आपका इल्म तो मुझसे भी ज्यादा है, नबी का इल्म तो बहुत ज्यादा होता है, बस एक छोटा सा सवाल है, अच्छा पूछ क्या सवाल है, कहा ये बताइए कायनात में जो कुछ हो रहा है सब अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, यासलाम ने कहा बेशक मेरे दरख्त का पत्ता भी हिलता है तो अल्लाह की मर्जी से हिलता है, बोले बेशक अल्लाह की मर्जी से हिलता है, तो फिर आई आइया बताइए जब अल्लाह ने आदम के सजदे के लिए हुक्म दिया तो मैंने सजदा ना किया तो ये भी तो अल्लाह की मर्जी थी ना कि मैं सजदा ना करूं, अगर उसकी मर्जी होती कि सजदा करूं तो फिर मेरी मजाल थी कि मैं सजदा ना करता, जब कायनात में हर काम हर तदबीर हर शय हर चीज उसी के हुक्म से बंधी है और उसी के हुक्म कहता है सब कुछ हो रहा है तो मेरा सजदा ना करना भी तो उसके हुक्म के तहत हुआ ना, उसकी मर्जी के तहत हुआ ना, मैं मर्जी इलाही से खारिज कहाँ हुआ, तो फिर मैं मरदूद क्यों लानती क्यों, कितना बड़ा इसने फरेब का जाल फेंका है। सदर या फौरन सजदे में गए, कहा परवरदिगार तू जानता है इसने क्या फरेब का जाल फेंका, खुदा की ए परवरदिगार तेरे इज्जत की कसम तेरे अलावा इसका कोई जवाब मुझे नहीं सिखा सकता, मैं आजीज हूँ इसके जवाब से। तो अल्लाह ने याहिया अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी, कहा याहिया इसको जवाब दो कि अगर तू ये मानता है कि सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है तो अब उससे कहो कि मेरी मर्जी यह है कि तू कब्रे आदम को जाके सजदा करे, अब ये मेरी मर्जी है, चाह इसकी तकमील कर इसकी तामील कर तो मैं तेरी तौबा भी कबूल कर लूँ। हज़रत याहिया ने सजदे से सर उठाया, कहा अल्लाह फरमाता है कि जा तू अल्लाह की मर्जी के तहत है ना तो मर्जी इलाही है कि तू आदम की कब्र को सजदा करे, उसने झुंझला के पैर पटके और कहा वाह याहिया जब जिंदा थे तब सजदा ना किया तो अब कब्र पे जाके सजदा करूँ, कहा मरदूद तू फरेबी है, हकीकत में तू लानती हुआ इसलिए कि मर्जी इलाही के खिलाफ काम किया तूने, और ये नहीं कि माज़अल्लाह तू मर्जी इलाही से बंधा हुआ है तकदीर से बंधा हुआ है, बल्कि मामला है कि अल्लाह ने तुझे आज़ाद छोड़ा है, तुझे अकल और फहम भी दे दी, तो इंसान तकदीर से बंधा हुआ नहीं है, बस लोग कहते हैं ना यार ये तकदीर ही में इसलिए हम ये कर रहे हैं, ये जहालत है, ना पूरी तरह तकदीर में बंधा हुआ है आदमी ना पूरी तरह आज़ाद है, दरमियानी अकीदा है हमारा कि इंसान को अल्लाह ने शऊर भी दिया, ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई आदमी गू खाए पखाना खा रहा है मेरी तकदीर में इसलिए मैं पखाना खा रहा हूँ, इतनी तो तमीज़ है ना कि इसको नहीं खाना चाहिए, ये तो समझ रहा है ना,
तो जहां ये समझ रहा है कि भाई ये पखाना है इसको नहीं खाना चाहिए, बिरयानी है वही खाना चाहिए, तो वहां ये क्यों नहीं समझ रहा कि भाई ये कत्ल नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, किसी का माल नहीं दबाना चाहिए, सारे हराम जब करता है अपने मतलब वाले हराम करता है तो बोलता है अल्लाह ने तकदीर में लिखा इसलिए तो सब कर रहा हूँ मैं, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, तो ये क्यों नहीं तेरे समझ में आ रहा है। तो अल्लाह असल में मामला क्या है अकीदे अहले सुन्नत इस बारे में, यह है बड़ा तवील मौजू है, बात छिड़ गई तो मुख्तसर बस एक बात बोल के गुजर जाऊंगा वरना इस पर एक खिताब करना पड़ेगा पूरा, कि मसला ये असल में ये है कि ऐसा नहीं है उलमा फरमाते हैं कि जो तकदीर में अल्लाह ने लिखा वैसा ही होगा, जो करने वाला था अल्लाह आलिमुल गैब है, पहले ही से जानता है, खुद पहले से लिख के रख लिया है, ऐसा नहीं कि उसने लिखा तो आप वैसा करने पे मजबूर है, आप जो करने वाले थे वो अपने इल्म से जानता है। अब ये तकदीर की भी किस्में हैं, तकदीर मुबर्रम है, तकदीर मुतलक है, उसमें एक तकदीर मुतलक जो होती है वो तब्दील भी होती है, बदलती भी है, हाँ अल्लाह ताला किसी अमल से राजी हो जाए तो तकदीर में तब्दीली फरमा देता है अपनी कुदरत कामला से, और तकदीर मुबर्रम जो होती है वो अटल होती है, जैसे पैदा होना अटल है कि कब पैदा होगा, कब मरेगा, खैर एक लंबी गुफ्तगू है। तो बहरहाल ये तीसरा मौका था कि जब इबलीस ने तौबा नहीं की, अब चौथा मौका देखिए कब मिलेगा उसको, चौथा भी मिलेगा आगे, और उसकी बदबख्ती देखिए ये भी खिताब वो भी सुन रहा है, सुन रहा है ना वो भी, और आगे और सुनेगा, और आगे ना जाने की रिवायतें ये बातें मुझसे पहले कितने उलमा ने बयान की, कितने उलमा ने लिखी, जब लिखी इन बुजुर्गों ने तब भी वो देख रहा था, जो वाकयात गुजरे जो लिखे गए, और जो गुजरने वाला है वो भी जब उलमा बयान कर रहे लिख रहे वो भी सुन रहा है जान रहा है कि क्या होने वाला है, मगर तब भी देखो उसकी हट डर भी यार, अब भी वो मानने के लिए तैयार नहीं। अब चौथा मामला क्या आएगा यही देखिए, मकाशिफतुल कुलूब इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, सफा नंबर 101 है, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह मकाशिफतुल कुलूब में नकल करते हैं कि 1,00,000 साल जहन्नम में जलाया जाएगा इबलीस को, 1,00,000 साल जहन्नम में चला जाएगा, 1,00,000 साल जहन्नम में जलाया जाएगा, फिर 1,00,000 साल जहन्नम में जलाने के बाद जहन्नम से निकाला जाएगा, अल्लाह फरमाएंगा अजाब को कैसे पाया, कहेगा बड़ा सख्त, अल्लाह फरमाएंगा कि पूरी जहन्नम में जितने जहन्नमियों पे अजाब है सबसे ज्यादा शदीद अजाब तुझ पर है, इसलिए कि सबके गुनाहों का बाई सबके गुनाहों का सबब तू तन्हा है, इसलिए सबका मजमूई अजाब भी तुझ पर है, इसलिए सख्त अजाब है। तो इबलीस कहेगा परवरदिगार मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, क्या तू मेरे उन सजदों को नहीं देखेगा जो 90 करोड़ साल मैंने तेरी बारगाह में किए, तुझे सजदे की मौला इस अजाब से नजात दे, अल्लाह फरमाएगा अब भी मैं बख्शने के लिए तैयार हूँ, कितना गफूर रहीम है, अब भी बख्शने के लिए तैयार हूँ, इबलीस शर्त यह है कि आदम जन्नत में है, जा जन्नतुल फिरदौस में आदम को सजदा कर दे, सजदे पर ही बात हो रही है पूरी, मगर उस वक्त भी वो क्या कहेंगे, चौथी बार हो रहा है, तो उस वक्त भी क्या कहेंगे, अब ये तो चौथी मैंने रिवायत के एतबार से कहा, अब इमाम गजाली का मैं जुमला आगे पढ़ूंगा आपके सामने तो आप फिर अंदाज ही नहीं लगा दे कितने मौके मिलेंगे उसको, मौकों पे मौके है फिर, तो जब अल्लाह ताला कहेंगे जब आदम को सजदा कर जन्नत में मौजूद है तो वो कहेगा कि परवरदिगार जब आदम तन्हा थे तब सजदा ना किया, आप तो जन्नत में सारे औलाद आदम भरी पड़ी है सबके सामने सजदा करके रुसवा हो जाओ, फिर जहन्नम में डाला जाएगा। अब इमाम गजाली कहते हैं हर 1,00,000 साल के बाद निकाला जाता रहेगा यही कहा जाएगा और हर 1,00,000 साल के बाद उसका जवाब यही होगा। यहाँ एक बात पता चलती है, इस रिवायत को जब मैं पढ़ रहा था तो एक बात मेरे जहन में आई कि नबी की गुस्ताखी वो जुर्म अजीम है, वो जुर्म अजीम है, इतना बड़ा जुर्म है नबी की गुस्ताखी कि अल्लाह अक्ल को ऐसे सल्ब कर लेता है कि आदमी तकलीफें बर्दाश्त करता है अजाब बर्दाश्त करता है मगर तौबा की तौफीक नहीं मिलती, इतना बड़ा जुर्म है अजीम, क्या अक्ल ही नहीं आ रही उसको, अजाब चखने के लिए तैयार है मगर अक्ल उसको नहीं आ रही। तो बहरहाल मौजू जो हमारा ये है कि क्या सजदा ताज़ीम शिर्क है, अगर शिर्क होता तो अल्लाह ताला इबलीस को बार बार नहीं कहता, फरिश्तों से सजदा नहीं करवाया जाता और सजदा जिसने ना किया उसको लानती करार नहीं दिया जाता। भाई ये कुरान अजीम की दूसरी और दलील देख ले, पारा नंबर 12।